हाँ दोस्तों, रेलवे में नौकरी का सुनहरा अवसर है आपके लिए, वो भी फ्री रजिस्ट्रेशन है, आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन फ्री में। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। रेलवे ने दोस्तों जो जॉब है, वैकेंसी है, वो अपनी निकाली हुई है। अगर हम बात करें कि कहाँ की वैकेंसी निकाली हुई है, ये इन्होंने मुंबई और हुबली में रेलवे की एजेंसी है जो वैकेंसी है वो निकली हुई है। जी हाँ दोस्तों, जो स्टार्टिंग डेट है वो 24 जून से शुरू हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं, और जिसकी लास्ट डेट है वो है दोस्तों 15 जुलाई। तो आप भी आराम से इनके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर दोस्तों बात की जाए जो कहाँ पे है, ये है मुंबई में और है हुबली में। जी हाँ दोस्तों, जो हुबली है वहाँ की जो स्टार्टिंग डेट थी वो थी 24 जून 2019 से लेकर लास्ट डेट है 15 जुलाई 2019। और जो मुंबई की है वो है दोस्तों स्टार्टिंग डेट 1 जुलाई से लेकर लास्ट डेट है 30 जुलाई तक। तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और सर, इसमें जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, देखिए आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, देयर इज नो एप्लीकेशन फी फॉर द एनी ऑफ द कैंडिडेट्स। मतलब क्या, फ्री में यानी ट्राई कर सकते हैं और आपको ये जॉब मिल भी सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। और एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए। मैक्सिमम जनरल के लिए है 42 ईयर, ओबीसी के लिए 45 ईयर, और एससी एसटी के लिए 47 ईयर्स। अगर पोस्ट की बात करें दोस्तों, तो ये है 904 पोस्ट, यानी आपका जो सिलेक्शन है वो होने के चांसेज है और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात की जाए कि जो ये पोस्ट हैं किस किस चीज़ के निकली हुई हैं, तो देखिए आप देख पाएंगे यहाँ गोड्स गार्ड 20, स्टेशन मास्टर 42, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 117। जी हाँ दोस्तों, और जो बाकी की जो ये पीडीएफ है, मैं आपके जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके आराम से चेक कर सकते हैं, फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि इसकी कोई फ़ी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो आज की छोटी सी वीडियो में यही थी बस जानकारी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम उनमें और सुधार ला सकें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।